गलती से 24 वर्षीय महिला के मुंह में चला गया जहरीला कीटनाशक, हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में इलाज जारी। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के कुदोनिया के पास तौर गांव में एक 24 साल की महिला ने धोखे से गेहूं में कीड़े मारने की दवा को पी लिया। तबीयत बिगड़ने के बाद महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक 24 साल सपना यादव के पति बलराम यादव ने बताया कि आज रविवार सुबह उसकी पत्नी घर में रखे गेहूं में दवा लगाने वाली थी। इसके लिए उसने कीड़े मारने की दवा की शीशी मुंह से खोलने का प्रयास किया था। इसी दौरान जहरीली दवा उसके मुंह में चली गई, जिससे सपना की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद सपना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुम्हारा बलराम, पूरा नाम बताओ। कहाँ के रहने वाले? कहाँ पड़ता है? कुदोनिया के पास, तेंदुआ थाना है। ये क्यों जहर खा लिया? दवाई डाल रहे थे। काय की? हाँ, फिर मैं दवाई डाल रहा था, ढक्कन निकाला लगा था, तो नहीं तो नहीं निकला, मोड़ से निकाली थोड़ी। अच्छा, गलती से हो गया। अच्छा, क्या नाम है इनका? सपना। तुम्हारी वाइफ है? हाँ। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी होगी 24-25 साल। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? लड़ाई हो रहा था, चल रहा है। और कोई कारण तो नहीं? कोई कारण नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई समस्या?